हेलो अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर इंजीनियर ताह शाहिद। वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 6.9। इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है इफ़ ए बी सी आर इन जी पी। इफ़ वाली कंडीशन हमेशा बच्चों गिवन कंडीशन होती है, तो हमारे पास गिवन कंडीशन है सिंस ए बी सी आर इन जी पी। अगर तीन नंबर्स जीपी में हैं तो बीच वाला नंबर जो है वो हमेशा हमेशा जीएम कहलाता है। देयरफॉर बी इज़ दी जीएम बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के दरमियान का जीएम है, जीएम है ये, तो जीएम का फॉर्मूला लगेगा जीएम इज़ इक्वल टू रूट ए बी। पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे प्रूफ दैट के सवालात के लिए। तो बेटा जी की जगह आपके पास बी आ जाएगा और ए और बी की जगह आ जाएगा ए और सी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे यहाँ पर, तो ये बी स्क्वायर रूट ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास ए सी के। ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन बन गई है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये तीन वैल्यूज़ जो हैं वो एपी में हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज़ एपी में हैं तो बीच वाला नंबर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। इफ वन अपॉन ए प्लस बी, वन अपॉन टू बी एंड वन अपॉन बी प्लस सी आर इन एपी, देयरफॉर देन वन अपॉन टू बी इज द एम बिटवीन वन अपॉन ए प्लस बी एंड वन अपॉन बी प्लस सी। अच्छा, ऐसे भी किया जा सकता है, या मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 में तरीका बताया था कि आप डिफरेंस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं कि टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू। तो यहाँ पर अगर हम ए एम का फॉर्मूला यूज़ करें, सो ए एम का फॉर्मूला है ए एम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। सो हमारे पास ए एम है बच्चों यहाँ पर वन अपॉन टू बी, ए की जगह आएगा वन अपॉन ए प्लस बी, बी की जगह आएगा वन अपॉन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। तो टू से ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, सो वन अपॉन बी इक्वल आ जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर ए प्लस बी एंड बी प्लस सी का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। नाउ वी हैव वन अपॉन बी इज इक्वल टू, सो ये हमारे पास टू बी प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। नीचे हम आ जाएँ तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई होगा इससे तो ए बी, ए मल्टीप्लाई होगा सी से सो ए सी, बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कहते हैं सी मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई होगा सी से तो बी सी। क्योंकि ऊपर टू बी लिखा है तो नीचे भी टू बी चाहिए होगा, क्योंकि हमें ऊपर वाली वैल्यू जैसी वैल्यू नीचे बनानी होगी। तो ऊपर टू बी लिखा है, नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे ए सी की जगह बी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है इसका इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पर गिवन कंडीशन दी हुई है हमें। तो ये वन अपॉन बी बेटा बराबर हो जाएगा, ऊपर अरेंज कर लेंगे ए प्लस टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी। ये जो ए सी है इस वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर पहले से मौजूद है प्लस का बी सी। सो वन अपॉन बी हमारे पास आएगा ए प्लस टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। सो वन अपॉन बी बराबर आ गया ए प्लस टू बी प्लस सी। यहाँ से हमने बी कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो यहाँ से ए बी कॉमन निकला तो ए बचा, यहाँ से बी कॉमन निकला तो टू बी बचा, और यहाँ से बी कॉमन निकला तो सी बचा। कैंसिलेशन कर देंगे, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन ओवर टू। सो द करेक्ट आंसर इज वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए,
तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि वन अपॉन ए प्लस बी, वन अपॉन टू पी एंड वन अपॉन बी प्लस सी जो है वो ए पी में है।